नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका जो भी डेटा होगा वो लॉस नहीं होगा। वो ट्रिक क्या है, थंबनेल से तो आपको पता चला होगा। देखिए दोस्तों, आपके हार्ड डिस्क जो होती है उसका एक टेम्परेचर होता है लिमिट किया हुआ। अगर उसके टेम्परेचर के आगे अगर ये निकल जाता है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। जो हीट होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आपने थंबनेल तो देखा होगा, थंबनेल पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेरे हार्ड डिस्क का दिखा रहा है, तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेम्परेचर भी चल जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें पता चलता है कि हमें हमारे हार्ड डिस्क का टेम्परेचर कितना है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हार्ड डिस्क का टेम्परेचर 40 से 65 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है और आपके हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। तो ये किस तरह से पता करेंगे कि आपका हार्ड डिस्क का टेम्परेचर कितना है, तो इसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। और वो सॉफ्टवेयर है हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला ये सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो किस तरह से देखते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इसे यूज करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद में यहाँ पे क्रिस्टल डिस इन्फो इस तरह से लिखना है। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का क्विक डाउनलोड का एक वेबसाइट जो होती है इसकी, और यहाँ पे क्विक डाउनलोड शो होगा। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है क्रिस्टल इन्फो, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप देख पा रहे हैं, आपको मैं मार्कर से भी दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको डाउनलोडिंग भी बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड होता है। तो देखिए, कुछ समय वेट करिए, ऑटोमेटिक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा जैसे आपने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये डाउनलोड हो गया है, आप देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ से डाउनलोड हो गया है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे डबल क्लिक करना है या इस पे इस तरह से इस एरो पे क्लिक करके, ये जो होता है यहाँ पे एरो पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में ये सिस्टम जो होता है ये एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, वहाँ पे यस कर दीजिए। आप जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा, आप इसे आई एक्सेप्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पे कर दीजिए, नेक्स्ट इंस्टॉल, तो ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इसको डबल क्लिक करना है, आप डबल क्लिक कर दीजिए, रन हो गया। अब इस तरह से ये आपका सॉफ्टवेयर शो हो रहा है। देखिए ऑटोमेटिक रन होने के बाद में इस तरह से ये शो हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं, अगर इसको डिटेल से समझना है आपको किस तरह से यूज करना है क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल एक पार्ट बनाऊंगा जो कि आपके लिए होगा स्पेशली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मुझे ये जो येलो मार्क है ये भी दिखाई रहा है। अब ये क्यों आता है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमारा मेन जो पर्पज था वो अभी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, जो कि ये जो टेम्परेचर हम यहाँ पे हमने देख लिया। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।